हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। तो आज हम फ्लावर शो देखने आए हैं राजेंद्र पार्क। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप अपनी कार वगैरह, बाइक, स्कूटीज़ वगैरह आप यहाँ पे जैसा भी आपको लगे आप यहाँ पार्क कर सकते हैं। ये कोई छोटी सी झांकी लगाई गई थी यहाँ पे, और ये हम अंदर घुस चुके हैं। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने वगैरह के, तो आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए झूला वगैरह है। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अभी हम अंदर जाते जा रहे हैं तो और भी स्टॉल्स दिखेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे टूर कराऊंगी। जैसा कि ये देख सकते हैं आप मेरे राइट हैंड साइड पे, कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये सब मतलब यहाँ पे जो भी फूड वगैरह मिल रहा था बहुत रीज़नेबल रेट के था, मतलब अंडर 50 यहाँ पे सारे फूड्स मिल रहे थे, जो कि आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे देखिए स्टॉल्स लगे, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए बेल्ट्स वगैरह हैं, बच्चों के लिए खिलौने के स्टॉल्स हैं। अभी तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम दिख रही है गाइस। और ये देखिए, हम आ गए हैं हमारे एंट्री गेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री गेट पे बहुत सारे भैया लोग हैं, जो कि अपने बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्रीटी प्रीटी इतने प्यारे फ्लावर्स लगा के रखे हुए हैं ना, ये सब सेल करने के लिए गाइस। अगर आप चाहें तो आप जाके यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये हमारे इंदिरा मार्केट में बैठते हैं, फ्लावर चौक के पास। ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं मेरे दोनों साइड पे। यहाँ पे भी भैया लोग फ्लावर्स लेके बैठे, यहाँ पे भी बैठे। ये भैया के पास के सनफ्लावर्स देखो कितने प्यारे, कितने क्यूट है, छोटे छोटे से बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स है गाइस। इतने प्यारे प्यारे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना वहाँ पर, इतनी फ्रेगनेंस इतनी प्यारी कि मज़ा आ गया। और ये देखिए, ये अब हम आ चुके हैं एंट्री गेट पर, और यहाँ से अब हम अंदर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग जा ही रहे हैं, और बस ये अब हम एंटर कर ही रहे हैं। आप देखते जाइए, ये कुछ मतलब ये ना राजेंद्र पार्क का बैक साइड एरिया था वो। और ये देखिए, जैसे हमने एंट्री की, हमें यहाँ पे ये शार दिख रहा है, फाउंटेन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा था ना। इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पानी की बूंदें आ रही थी, इतना मस्त ठंडा ठंडा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। आप तो जानते ही हैं अभी ठंड का मौसम है, और दुर्ग में तो बहुत ठंड पड़ रही है अभी कुछ टाइम से, फिलहाल एक दो दिन से ही धूप आई है। और ये देखिए यहाँ पे स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे। जब मैं गई तो यहाँ पे ना दो दीदी लोग ना सॉन्ग गा रही थी, छत्तीसगढ़िया भजन चल रहा था यहाँ पे, इतना प्यारा मस्त लग रहा था ना। और छत्तीसगढ़िया वाला सबले बढ़िया यार, मज़ा आ रहा था यहाँ पे सुनने में। यहाँ पे देखिए कितनी सारी ऑडियंस बैठी हुई है, उनका सॉन्ग एंजॉय कर रही हैं। और ये पूरा राजेंद्र पार्क देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितनी भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं। और सबसे प्यारा तो मुझे ये फाउंटेन ही लगा, इतना मज़ा आ रहा था ना आज इसके पास खड़े होकर, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। और यहाँ से हमारा फ्लावर शो शुरू होता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो फ्लावर शो है ना, ये गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे दुर्ग में खुला हुआ है, ये उन बच्चों के द्वारा ये फ्लावर शो था। ये कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स उन्होंने डेकोरेट किए, सजाए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे, मुझे तो नाम भी नहीं पता आधे के, मैं तो बस उनकी ब्यूटी देख रही थी। इतने प्यारे प्यारे गाइस, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स है देखो आपके। और यहाँ पे ना आप दो मिनट भी खड़े होंगे ना, तो आपको इतनी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी ना फ्लावर्स की। और देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर के यहाँ पे गुलाब हैं, इतने सारे टाइप के कलर। और ये रही मैं और मेरी मम्मी इन्जॉय करते हुए फ्लावर शो। और ये देखिए, ये कैक्टस के पेड़ हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे थे, देखो छोटे छोटे भी हैं वहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और ये हमारे आज के फ्लावर शो के VIP गेस्ट, जो सामने से आप देख रहे हैं चलते आ रहे हैं, ये चेकिंग पे हैं, तो हम इनसे थोड़ी देर बाद जब ये फ्री हो जाएंगे ना, हम इनसे इंटरव्यू लेते हैं। देखिए, अरे सर 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 सर,
कैसा लगा आपको ये फ्लावर शो देख के? आप यहाँ इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? आपको कैसा लगा यहाँ पे? शायद इंटरेस्टेड नहीं थे हमें आंसर देने में तो चले गए। कोई बात नहीं गाइस, हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखते जाइए आप, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा था, आप लोग बोर हो जाओगे अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे रखूँ तो। ये देखो, ये स्ट्रॉबेरी के पेड़ थे गाइस, ये देखो कितने प्यारे प्यारे स्ट्रॉबेरीज थे। और बस ये हम रिटर्न होते टाइम हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बच्चियाँ बहुत प्यारा परफॉर्मेंस दे रही थी अपना डांस का। मैं म्यूज़िक नहीं चला सकती थी गाइस, सॉरी। और ये हमारे प्यारे प्यारे शिव शंकर जी, शिव शंभो, पीछे माँ काली, माँ दुर्गा, बहुत सारे यहाँ पे देखिए बच्चे अपनी इतनी प्यारी प्यारी यूनिफॉर्म में हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे हमारे बच्चे, यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था गाइस, यहाँ पे सारे बच्चे ड्राइंग्स कर रहे थे, टीचर्स थी यहाँ पे उनको गाइड करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैम बच्चे को गाइड कर रही है कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे उनके पेरेंट्स खड़े हुए हैं, उनके गाइड्स खड़े हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है भगवान जी लोगों का। और ये हमारे बजरंग बली जी, जय जय श्री राम, जय श्री राम। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं हमारे कृष्ण जी, राधा रानी की, जो कि भैया लगाए हुए हैं स्टॉल। और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं। इनके पास बहुत सारी बुक्स थी जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये अयोध्या का एक डमी यहाँ पे जो लगाया गया था, बहुत प्यारा लग रहा था। वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट जो रियलिटी में ये दिख रहा था ना गाइस, बहुत प्यारा लग रहा था। देखिए हमारे श्री राम जी अयोध्या पे। और ये बहुत सारे यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई थी, जैसे आप देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। अब क्या करें गाइस, अयोध्या जा नहीं पाए तो यहीं हम अपना मन भर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी बट पूरी कवर तो हो नहीं रही थी। और ये मेरी मम्मी, हम लोग इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पे। और ये देख सकते हैं बच्चों के द्वारा ये सारे प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे सर कुछ सिखा रहे थे बच्चों को, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए बच्चे लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ एक्टिविटी को, बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। और यहाँ पे भैया लोग आर्ट दिखा रहे हैं, ये राधे आर्ट करके हैं भैया, ये मिट्टी वगैरह से बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स बना रहे, जैसा आप देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, दिया वगैरह। और ये बच्चे भी इंजॉय कर रही थी। चलो गाइस, अब हम चलते हैं, अब हमारे रिटर्न होने का टाइम आ गया है, अब हम चलते हैं। और आप देख सकते हैं ये मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया था, यहाँ पे सारे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। तो ये अब हम जा रहे हैं, ये हमारा एंट्री गेट था। और यहीं से आपको रिटर्न आना है, यहीं से आपको जैसे आप अंदर हुए थे वैसे ही अब आपको एंट्री गेट से बाहर जाना है। और यहाँ पे मेरी मम्मी इंजॉय कर रही है चना मुर्रा भेल। और ये हैं यहाँ के स्टॉल्स जो मैंने आपको शुरू में बहुत जल्दी दिखाए थे, अब आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे फूड्स वगैरह के स्टॉल्स थे, आइसक्रीम, गुपचुप, डोसा। ये देखिए कितनी सारी मिक्सचर वगैरह के स्टॉल्स थे, अंकल लोग लगाए थे। ये साउंड्स वगैरह हैं, ये कप्स, क्रॉकरी सेट्स वगैरह हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे थे, होममेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारे आंटी लोग बेच रहे थे। घर पे बना हुआ पूरा जो रहता है ना रेडी टू ईट वाला, वो भी यहाँ पे सब बहुत लोग बेच रहे थे। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी झूला वगैरह, आपके बच्चे भी बहुत इन्जॉय करेंगे यहाँ पे। और ये जैन पाव भाजी करके था। और यहाँ पे देखिए कितने सारे यहाँ पे नमकीन स्वीट्स वगैरह लगाए गए, वैरायटीज़ हैं यहाँ पे तो बहुत सारी। और यहाँ पे ये फीमेल्स के लिए इयररिंग्स, पर्स वगैरह, बेल्ट्स हैं, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह हैं जैसे आप देख रहे हैं। सो अब मैं थोड़ी देर शांत हो जाती हूँ कि अब आप इन्जॉय करिए, नहीं तो आप बोलेंगे कितना बोलती है ये लड़की। सो लेट्स एन्जॉय योर वीडियो नाउ। अभी हम रिटर्न हो रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ पे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। रैबिट मिला था भैया, पकड़े हुए थे रैबिट को। और ये देखो मैंने भी होल्ड किया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।